हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हियर विद चैप्टर वन हिस्ट्री। जैसा कि आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा, मैंने कुछ ज्यादा ही साइंस या फिर इंग्लिश के वीडियोस अब बना दिए हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए अब हिस्ट्री भी शुरू कर लेते हैं, बिकॉज हिस्ट्री को छोड़ना ठीक नहीं होगा। सो मैं पहले फोकस करूंगी टर्म वन पे। टर्म वन में आपकी हिस्ट्री से सिर्फ एक ही चैप्टर है, जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी, एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पर पहले हम पूरा चैप्टर पार्ट बाय पार्ट करेंगे। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, एंड इसी वीडियो के साथ साथ मैं पार्ट वन का वीडियो भी रिलीज करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे बेसिक से, इंट्रोडक्शन में एक ट्रेलर से शुरू करते हुए हम आएंगे पार्ट वन पे। पार्ट वन पे आएंगे हम, तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी यानी कि 1700s का टाइम। आपको पता है हिस्ट्री में हमेशा एक साल पहले ही चलता है, तो मतलब 1700s, 18th सेंचुरी है तो 1700s का टाइम होगा, और लेट यानी कि 50s के बाद। सो 1750s के बाद का पीरियड चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट लेट कहा गया है, तो यानी कि 80s और 90s का पीरियड है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या है हमारी क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे हमारी फ्रेंच सोसाइटी को डिवाइड किया गया है 3 एस्टेट्स में। सो वील स्टडी अबाउट दैट स्टफ एज वेल। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा कुछ न्यू वर्ड्स भी देखेंगे इसमें, और फिर हम आ जाएंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव, क्या क्या वहाँ के थर्ड एस्टेट के लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। एंड उसके बाद हम सबसिस्टेंस क्राइसिस को देखेंगे, फिर हम मिडिल क्लास के कैसे लोगों ने रेवोल्यूशन शुरू किया, क्या क्या कंडीशंस डेवलप हुई, क्या क्या एक तरह के कंट्रीब्यूटरी कॉजेस थे, और कौन कौन से कॉजेस बिल्कुल इमीडिएट से थे जिनके कारण ये रेवोल्यूशन शुरू हो गई, और ये बिल्कुल सेकेंड टॉपिक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक टाइमलाइन दी है जो कि पूरे चैप्टर की मेन डेट्स को कवर करती है। इसके बाद हम आएंगे कुछ मेन फिलोसोफर्स के बारे में भी जानेंगे हम इस चैप्टर में, जिनकी कंट्रीब्यूशन रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों को मोटिवेट करने की। और हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रांस ने मोनार्की को एबॉलिश करके एक रिपब्लिक को इस्टैब्लिश किया, एक रिपब्लिक नेशन को इस्टैब्लिश किया, कैसे कैसे उन्होंने अपना सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑर्गेनाइज किया, क्या क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे जो कि नेशनल असेंबली ने मतलब जो टेनिस कोर्ट था उधर वर्सेल्स का, वहां पर टेनिस कोर्ट ओथ भी पढ़ेंगे आप, लेकिन टेनिस कोर्ट में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, क्या क्या सिस्टम ऑफ टैक्सेस थे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स यहाँ पर दे रखे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। एंड देन वील स्टडी अबाउट कैसे ये मोनार्की को एबॉलिश किया और रिपब्लिक बना। एंड हम सारे पॉलिटिकल क्लब्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि जैकोबिन्स, और फिर हम मतलब सारी चर्चा कर लेंगे क्लब्स के बारे में, जैकोबिन क्लब के बारे में, फिर रीन ऑफ टेरर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर जो कि जैकोबिन क्लब के लीडर थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जब वो रूल में आए, जब वो एक तरह के एक तरह के आप असेंबली में जो आपकी नेशनल असेंबली थी या फिर जो आपकी गवर्नमेंट थी उसमें जब पावर में आए तो उनके क्या क्या एक्शंस रहे थे, ये भी हम पढ़ेंगे। एंड फिर हम डायरेक्टरी पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर वाला सिस्टम लोगों को फेल लगा, जो डेमोक्रेटिस्ट जो थे, डेमोक्रेट्स थे जो लोग, या फिर जो लोग बाकी थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की कोशिश की, तो मिडिल क्लास हम देखेंगे कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि क्या उनको सिस्टम में चेंजेस लाने की जरूरत है। मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के रीन ऑफ टेरर के बाद उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, तो उन्होंने एक डायरेक्टरी इस्टेब्लिश की थी जिसमें एक अंडर 5 एग्जीक्यूटिव थे, ताकि वन मैन एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर ना आ जाए। फिर हम विमेन के बारे में एक स्पेसिफिकली पार्ट पढ़ेंगे, छोटा सा ही पार्ट है ये, हम देखेंगे उनकी कैसे मतलब कैसे कैसे उनका एक बहुत ही बड़ा रोल था, और कैसे कैसे विमेन ने खुद अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए जैसे कि सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, तो कैसे कैसे उन्होंने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। और इसमें हम पढ़ेंगे ओलंपिक गॉजेस के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा महान महान थी, एंड
उन्होंने भी अपना डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स बनाया था ऑफ मैन एंड वुमेन. सो यू नो वुमेन एंड सिटीजन के बारे में उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स बनाया था. लाइक यू कैन सी हियर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन. तो इसका राइट्स का भी उन्होंने डिक्लेरेशन बनाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वुमेन को सही राइट्स नहीं मिले हैं जो कि फ्रांस का डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन बनाया गया था. तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन में उन्हें सारे वुमेन को राइट्स बिल्कुल नहीं दिए गए हैं तो उन्हें लगा. फिर हम एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जो है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी को एबॉलिश किया गया, कैसे कैसे ये हुआ ये भी हम पढ़ने वाले हैं. एंड इसमें जो हमारा है स्लेवरी वाले पार्ट में हम देखेंगे कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी, जैकोबिन यू नो जैकोबिन्स के जैकोबिन रेजिम था, उसमें क्या क्या एक अच्छा स्टेप जो लिया गया था, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा स्टेप था, वो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी था. लेकिन बाद में नेपोलियन जो था, नेपोलियन यू नो उन्होंने फिर से इसे रिवर्स कर दिया एंड 10 ईयर्स बाद स्लेवरी फिर से चल पड़ी थी. And the last part of this chapter is the revolution in everyday life. कैसे लोगों की life पर इस revolution का असर पड़ा और कैसे कैसे लोगों ने react किया. And conclusion में हम पढ़ेंगे Napoleon Bonaparte के बारे में जो कि बहुत ही important character रहे हैं. और I hope कि ये बहुत important part है. ये वाला conclusion part तो बहुत ही ज़्यादा important है I feel. And इसे करना तो आपको बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे खुद ही question आ जाता है पूरा 5 marks का. सो राइट, तो इसी तरह से हम लोग कंक्लूड करेंगे, इसे रिलेट करेंगे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को कि बाकी पार्ट्स ऑफ यूरोप और यू नो बाकी कॉन्टिनेंट्स पर इस बात का क्या असर पड़ा. सो फिर चैप्टर एंड एक्सरसाइज को भी हम देख लेंगे. एंड यस, यही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इस चैप्टर को खत्म करने की. एंड यस, सो इन दिस वे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. इसी वीडियो के मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो अभी पब्लिश होगा साथ में ही इसी के जो हो चुका है पब्लिश अब तक, तो इसके साथ मैं आपको यहाँ तक 1.1 तक विल आई टीच यू टिल 1. यहाँ तक, यहाँ 1.1 तक हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट वाज दिस रेवोल्यूशन. सो अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब इफ यू रियली वॉन्ट टू. सो बाय बाय.